श्री अकाल तख्त साहिब विखे अज साका नीला तारा की 36वीं बरसी मनाई गई है, जिस तों बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक वड्डा बयान दे दिता कि जेकर सरकार सानू खालिस्तान देगी तो असी जरूर लवेंगे। जिस तों बाद SGPC प्रधान ने भी जथेदार के बयान की प्रोड़ता कर दी, पर हुण आम आदमी पार्टी ने जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब के बयान SGPC के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल की प्रोड़ता से सख्त इतराज जताया है। अमन अरोड़ा का कहना है कि आम आदमी पार्टी नूं पहला 2017 के विधानसभा चोणां विच खालिस्तानी दस्या गया सी, पर हुण बिल्ली थल्लों बाहर आ चुकी है और साफ हो चुका है कि श्रोमणी अकाली दल खालिस्तान का हमायती है। इत्थे अमन अरोड़ा का कहना है कि जथेदार का बयान देश नूं तोड़न वाला है। उन्होंने कहना है कि किसी नूं भी खालिस्तान नहीं चाहिए। किस तरह जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब के बयान से भड़कते दिखाई दते आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा, तुसी खुद ही देख लो। देखो अज जिथे श्री दरबार साहब उपर हमला होए नू साका नीला तारा नू 36 साल हो गए ने, मैं समझदा कि 36 साल बाद भी अज उस हमले दे जख्म ने जिहड़े ओह अल्ले ने हरेक व्यक्ति दे दिल दे विच, चाहे वह हिंदू होवे, सिख होवे, मुसलमान होवे, ईसाई होवे, और किसी भी पक्षों उस निर्मम हमले नू जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दरबार साहब के उपर किया सीगा। सो अज जिथे असी 36वीं वरेगंढ के उपर उस हमले की निंदा करते हैं, उत्थे ही जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों SGPC प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी वालों और अकाली दल दे सीनियर लीडर वालों खालिस्तान की मांग करना उस नूं जायज ठहराउणा, मैं समझदा कि इस दे नाल अकाली दल का दोगला चेहरा जिहड़ा ओह सामने आ गया है, अज बिल्ली थैले दे विचों बाहर आ चुकी है अकाली भाजपा गठजोड़ दी। कि एक पासे जिथे BJP दे लोक, BJP दे लीडर खालिस्तान की मंग नूं सिरे तों नकार रहे ने, उत्थे ही अकाली दल वध चढ़ के उसकी मांग कर रहा है। मैं समझदा कि इसे मुद्दे नूं लैके लोकां दीआं धार्मिक भावनावां नूं भड़का के उन्हां दे इमोशनज़ दे नाल, उन्हां दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ करके किस तरीके दे नाल अकाली दल और भाजपा लंबे समय तो लोकां दीआं वोटां बटोरदी रही है, यह अज बिल्ली है जिहड़ी ओह इस गठजोड़ दे थैले दे विचों बाहर आ चुकी है। सानू आम आदमी पार्टी नूं 2017 दीआं चोणां तों पहलां खालिस्तानी गर्दानिया सी इन्हां अकाली दल दे लोकां वल्लों, पर अज इन्हां दा अपना असली चेहरा जिहड़ा ओह नंगा हो चुका है, पंजाब दे लोक ने जिहड़े समझ चुके ने। मैं समझदा कि अकाली दल दा SGPC प्रधान दा और जथेदार साहब दा ए खालिस्तान दी मंग करन दा बयान है जिहड़ा ओह गैर जिम्मेवाराना है, ते कोई भी पंजाबी अज इस बयान दा समर्थन है जिहड़ा ओह नहीं करदा हैगा। हां अज खालिस्तान दी नहीं दी मंग करन दी लोड़ नहीं, अज खालस पंजाब नूं ही खालस स्थान बनाउण दी लोड़ है। खालस मतलब प्योर शुद्ध, ਉਹ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਹਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਸ, ਖਾਲਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।